हमशक्ल He's got to be the worst stand-up comedian. Oh my I cannot God, believe that's a how much time I've wasted. Itne kharab jokes crack kar rahe hain andar allow kisne kiya? Okay, I promise you mera agla joke aapko bahut hasayega. I tried writing a letter last night with a broken pencil, but I just couldn't. You know why? Anyone? 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 You? No? Cuz it was pointless. My three-year-old niece cracks better jokes. This guy's jokes are pathetic. Yeah. Okay, okay, okay. Ek potato ne dusre potato ko phone pe pata hai kya kaha? Alu? Ye to bahut sadu joke hai, yaar. What do you call a ghost in a telephone? A phone booth! Get out! Shut up! You suck! Ab aap logon ke liye Amitabh Bachchan ka famous dialogue. Hi. 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 यार अशोक एक बात मेरी समझ में नहीं आती तू हर हफ्ते अपनी बेइज्जती क्यों करवाता है Why do you have to do this? ठीक है यार अभी स्टैंड अप कॉमेडी लाइन में मैं एक स्ट्रगलर हूँ स्ट्रगलर काश दुनिया का हर स्ट्रगलर तेरे जैसा होता अशोक यस कुमार हम लोग सेकंड स्टैंडर्ड से बेस्ट फ्रेंड्स हैं तब भी तेरे जोक्स पे कोई नहीं हंसता था आज भी तेरे जोक्स पे कोई नहीं हंस रहा मेरी बात मान इस स्टैंड अप कॉमेडी तेरे बस की बात नहीं है तो फिर क्या मेरी कार की बात है Look at this. This is who you are. Ashok Singhania hai tu. Billions of dollars ki teri company hai, properties hai. Itna bada aadmi hai tu. Tu ye stand-up comedy kyun karta hai yaar? Because it's my passion, yaar. Dekh, Anil Ambani, itna bada businessman hai. Lekin phir bhi har saal short pants pehenkar aam aadmi ki tarah marathon mein hissa leta hai. Kyun? Because wo uska passion hai. Bill Gates, computer ki duniya ka badshah hai. Lekin wo knitting karta hai, sweaters banata hai. Kyun? Because that's his passion. So chill out, यार मैं अपना बिजनेस थोड़ी छोड़ रहा हूँ मेरी बैड कॉमेडी की वजह से सिंगानिया कॉर्पोरेशन की शेयर्स थोड़ी ना गिर रही हैं We just had a bad day, यार अगला शो माइंड ब्लोइंग होगा Come on. You love me, ना Yes. You trust me? Yes. Would I ever take you for a ride? Never. Good. चल घर चलते हैं Pilot. Take us for a ride. Oh, come on, yaar. You can't be doing come on, this. Yaar, it's a good joke. This is a terrible joke. Good evening, Mishti. How was the show, sir? Show बहुत अच्छा था. Much better than last time. इस बार सिर्फ 15 लोग उठ के चले गए. क्योंकि audience में सिर्फ 15 लोग ही थे. Oh. इसकी बात मत सुनो. मैं बहुत खुश हूँ. In fact, मैं इतना खुश हूँ. I think I'll give you a raise. Really, sir? You deserve it, Mishti. तुम सिर्फ मेरी estate manager ही नहीं, बल्कि मेरी बहन की तरह हो. But right now, come inside the house, man. सकाल तक फोन करा नहीं क्या बेबी मैंने तुम्हें लाख बार समझाया मुझे बंगाली समझ में नहीं आती ओके ठीक है
तो ये बंगालन तुमसे शादी नहीं करेगी. आई लव हावड़ा ब्रिज, आई लव बपीदा, आई लव मिथुंदा, आई लव मिशी दोई, आई लव यू मिश्री. अनेक हुए छे. सॉरी. चलो. ओके. सर, आई नीड योर सिग्नेचर. थैंक्स. गुड इवनिंग सर. डैड की कंडीशन में कोई चेंज? नो सर. गुड इवनिंग सर. व्हाट्स अप डैड? क्या बात है, आज फिर बाहर नहीं गए? कम ऑन डैड, ये आपकी लेटनी की उम्र थोड़ी ना है, ये तो आपके गोल्फ खेलने की उम्र है, क्लब जाने की उम्र है, अपना बिजनेस एम्पायर संभालने की उम्र है. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस बिजनेस एम्पायर को नहीं संभाल सकता, इट्स जस्ट दैट आप मुझसे कहीं ज्यादा बेटर संभालते हैं. सो गेट वेल सून डैड, आई मिस यू. अच्छा, एक नया जोक सुनाओ. अशोक, वो पहले से ही कोमा में. बाय डैड, कैच यू लेटर. अगर सैंड्रा नाम की लड़की की शादी किसी सांड से की जाए तो क्या हम उसे सैंड्रा बुलक कह सकते हैं? Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 से क्यों डरते हैं? Anybody? Anybody? Because 7, 8, 9. 7, 8, 9. Let's get out of here. 8, 9. 8, 9. वाकई ये स्टैंड अप कॉमेडी है. लोग इसकी कॉमेडी पे स्टैंड अप करके जा रहे हैं. ओके. चीखते हुए अगर मेरा एक जूता निकल गया तो क्या मैं कह सकता हूं निकल गया एक शू? स्टॉप स्टॉप स्टॉप, आई कांट ब्रीथ. तुम बहुत फनी हो और तुम बहुत खूबसूरत हो. थैंक यू फॉर लाफिंग. बाय द वे, आई एम अशोक, अशोक सिंघानिया. दी अशोक सिंघानिया? मुझे हमेशा लगता था कि बिलियनर्स के पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता. नहीं होता है. दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड कुमार. हाय. हाय, आई एम शनाया. शनाया, दैट्स अ ब्यूटीफुल नेम. थैंक यू. तुम लंदन में रहती हो? या ऑफ कोर्स, आई वर्क फॉर चैनल 9. मैं एक रियलिटी शो होस्ट हूँ, कौन बनेगा मिलियनेर, जिसमें हम रास्ते से एक आम आदमी को सिलेक्ट करके उसे एक हफ्ते के लिए मिलियनेर बना देते हैं. साउंड्स लाइक एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. इट इज. आज से मैं ये शो कभी मिस नहीं करूंगा. ओह, सो स्वीट. सो अशोक, तुम्हारा अगला शो कब है? तुम कब फ्री हो? ये आके परफॉर्म कर देगा? यू गाइस आर सो विटी एंड यू आर सो चर्च गेट. विटी चर्च गेट, शी गेट्स मी मैन. रियली नाइस टू मीट यू. एंड यू. ओके, बाय देन. ओह वेट, सुना, क्या तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगी? लंच डिनर के लिए तो बहुत लोगों ने पूछा है, लेकिन ब्रेकफास्ट नेवर. एग्जैक्टली. सो या शो, व्हाई नॉट. ओके, आई कॉल यू. कॉल मी. आई कॉल यू. कॉल मी. आई कॉल यू. कॉल मी. आई कॉल यू. आई कॉल यू. अरे कॉल कॉल क्या कर रहा है, फोन नंबर तो लिया नहीं तूने. ओह माय गॉड, शनाया, शनाया, आई डोंट हैव योर नंबर. राम बनाए जोड़ी, गधे को मिलके घोड़ी. कॉल लव टू
अमरनाथ सिंह, माना कि तू अशोक सिंगानिया का मामा है और सिंगानिया इनकॉर्पोरेशन का जनरल मैनेजर है, मगर तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तू सिंगानिया परिवार की पूरी जायदाद हड़पना चाहता है, पर तू अशोक या उसके बाप को मार नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी चैरिटी को चली जाएगी। अब तेरा मालिक बनने का सपना तभी पूरा हो सकता है अगर अशोक अपने बाप की तरह कोमा में चला जाए, या फिर अशोक अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अबे ओ खान, मैं इतने सालों से तेरे ये इल्लीगल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इसलिए फंड कर रहा हूं ताकि तू मुझे लेक्चर दे। जो बात मैं ऑलरेडी जानता हूं वो तू क्यों बता रहा है मुझे? क्योंकि तू ये नहीं जानता कि तेरा मालिक बनने का सपना मैं सच करने जा रहा हूं। इससे मैड माइंड ऑल्टरिंग ड्रग, अलग अलग कुत्तों की स्पीसीज के सैंपल से बनाया गया मेरा यह ड्रग, जिसको भी पानी में मिलाकर पिला दिया जाए उसका दिमाग यह सोचने लगेगा कि वो एक कुत्ता है। यह ब्लड में मिलकर ह्यूमन जीन्स को ऑल्टर कर देता है और इसकी वजह से आदमी का क्रोमोसोम स्ट्रक्चर 24 घंटे के लिए चेंज हो जाता है। मतलब शरीर आदमी का लेकिन दिमाग कुत्ते का। अभी तू पागल हो गया क्या? दिस इज योर प्लान? गलती की मैंने जो तेरे पे इतने पैसे खर्च कर दिए। मैं जानता था कि तू मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा,
चिंकू पिंकू हाँ छोड़ो मेरे असिस्टेंट से तो तुम मिले ही हो हाय सर माय गॉड यू पुट इन अ लिटिल वेट कुंवर साहब इंडिया से तुम दोनों के लिए गंगा जल लाए गंगा जल हाउ धार्मिक लो पियो It really works. Oh my God, Khan! यार ये तूने कैसे कर दिया? You're a genius. अब देखना मैं क्या करता हूँ. कल की board meeting में सारे board members के सामने अशोक सिंघानिया को मैं कुत्ता बनाऊंगा. यार तू मुझे अपनी बोर्ड मीटिंग में क्यों लेके जा रहा है मैं वहां कर क्या करूंगा अरे आना यार तेरे बिना बोर्ड मीटिंग हो जाएगी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग Here he is. Hi, Mama Ji. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. क्या कर दिया तुमने? क्या कर दिया मतलब? पानी पी रहा हूँ, मामा जी. ये अशोक का ग्लास है. क्या फर्क पड़ता है? Sit, sit, बैठो. Right, let's get on with it. Yeah, sure. Everybody, please sit down. Before we start today's meeting, I just want to say thank you. Dad ki unfortunate bimari ke baad, aap mein se ek ne bhi kabhi mujhe ye mehsoos nahi hone diya ki shayad main ye company dad ki tarah nahi sambhal sakta hoon. Thank you. You know, मैं जानता हूं आप में से कई डैड के क्लोज फ्रेंड्स हैं और जितनी इज्जत मैं अपनी डैड की करता हूं उतनी ही आप लोगों की करता हूं ये कंपनी जितनी मेरी है उतनी ही आप लोगों की है नो आई मीन इट थैंक यू वाह क्या बात की अशोक साहब ने आई मीन इस बात पे तो चीयर्स करने का मन करता अब ऑफिस में अल्कोहल तो अलाउड नहीं है लेकिन क्यों ना पानी के साथ चीयर्स करें कम ऑन जेंटलमैन लिफ्ट योर ग्लासेस अशोक तुम भी ग्लास उठाओ चीयर्स टू अशोक चीयर्स चीयर्स एंड सो ऑन दिस वंडरफुल नोट चलिए मीटिंग शुरू करते हैं आप सबको ये जान के खुशी होगी कि कल मेरी बात प्रिंस चार्ल्स से हुई और उन्होंने मुझसे कहा कुमार तू ठीक तो है आर यू ऑलराइट आई एम सॉरी सो एज़ आई वाज़ सेइंग आई स्पोक टू प्रिंस चार्ल्स यस्टरडे ऑन द फोन ही टोल्ड मी दैट क्या कर रहा है यार पागल हो गया है मेरी बोर्ड मीटिंग चल रही है बिहेव योरसेल्फ सो एज़ आई वाज़ सेइंग कल मेरी बात प्रिंस चार्ल्स से हुई और उन्होंने मुझसे कहा Ah!
अशोक कुमार क्या कर रहे हो तुम लोग? Mr. Singh, what is this nonsense? What is happening? I don't know. I think we should all go talk to them. Come. Let's go talk to them. Ashok Kumar. सर मेरे को मालूम है क्या हुआ है। शट अप श्रीनिवासन, तुम एक अकाउंटेंट हो, ऊपर से विक पहनते हो। सर आज पूर्णिमा, फ्राइडे से 13th, शनि पे चौथा ग्रहण चढ़ा है, इसलिए कुछ लोग ऐसा बर्ताव करते हैं सर। इफ यू डोंट बिलीव मी, गागल करके देखो सर। 4 साल पहले मेरे गांव में मेरा कजिन ब्रदर रामेंद्रन इसी दिन पे बकरी बन गया था सर। क्या बकरा है? बकरा नहीं सर, बकरी। मैं लांब लांब सांस लिख। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, पूरा का वेजिटेरियन सर, वो बच गया। गेट टू द पॉइंट श्रीनिवासन। सर आई कैन हैंडल दिस सर, आई नो व्हाट टू डू। हे वेट, टामी एंड कुट्टी नायपट्टी, टामी सर, टामी टामी, आई एम श्रीनिवासन स्वामी। मीठा मामी कुकुल्लू बोलो, ओयो पूजार पापा, पूजार मामी, टिकली 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 टिकली। रवड़ी डाक है, छोड़ रहा है, ये बाहर छोड़ रहा है। नौकरी छोड़ रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकता सर, ये लोग पागल है सर। What's going on? Tell us, what's going on? This is completely my fault. I'm sorry. We need to know. I'm sorry. Gentlemen, I hid the truth from you all. पर अब असलियत आप सबके सामने। अशोक और कुमार को दौरे पड़ते, they get fits. Fits? मिर्गी? What's he talking about? बहुत सारे डॉक्टर्स ने इनका इलाज करने की कोशिश की, but they have a mental condition. But I promise you, gentlemen, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इनको ले जाऊंगा, इनका इलाज करने की पूरी कोशिश करूंगा। इनका इलाज नहीं हो सकता सर, ये लोग पागल है, they are completely mad. They should be sent to a mental asylum. Yes, इनको पागल खाने में डालना चाहिए। सेट, वेरी सेट। लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम लोग इनका पूरा ख्याल रखेंगे। डॉक्टर शिवानी इस तरह के यूनिक केसेस में स्पेशलिस्ट है। ओए माँ, अरे आप फिक्र मत कीजिए, वी हैंडल एवरीथिंग। आइए आइए आइए, आप आइए, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज। The end is near, we're all gonna die. मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अशोक सिंघानिया जैसा इतना बड़ा आदमी हमारे मेंटल असाइलम में, वो भी इस हालत में। डॉक्टर साहब, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल मिस्टर सिंह, डोंट वरी, यू कैन रिलाय ऑन आवर डिस्क्रिशन। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये फेंस और
इतनी हाई सिक्योरिटी क्यों है यहाँ पे? और ये हमारे फैसिलिटी का वार्ड बी है, मेंटल पेशेंट्स का जेल। जेल? हाँ, क्या है, वार्ड ए मेंटल पेशेंट्स का हॉस्पिटल, वार्ड बी मेंटल पेशेंट्स का जेल। यूके गवर्नमेंट ने तरह तरह के क्रिमिनली इंसेन कैदियों को यहाँ भेज दिया जिनके ठीक होने का कोई चांस ही नहीं है। ओह आई सी, पागलों का जेल। एग्जैक्टली। खैर हमें इससे क्या लेना देना। देखिए वार्ड ए में क्या होता है ये उन्हें पता नहीं चलता, वार्ड बी में क्या होता है हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमें एक बात का जरूर पता है कि इन लोगों का जेलर भी इन्हीं की तरह गॉन कैसे। अच्छा मैं चलता हूँ, नाइस फिटिंग। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू, बाय बाय। तू तो कह रहा था कि तेरे ड्रग का असर 24 घंटों में उतर जाएगा, उसके बाद तो ये दोनों ठीक हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? रिलैक्स, उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है। अंदर एक वार्ड बॉय मेरे पेरोल पे है, वो हर सुबह वो ड्रग उनको पानी में मिलाकर पिलाता रहेगा। फिर तो दोनों को कोई नहीं बचा सकता। हम शक्ल प्लीज सिट डाउन। लॉर्ड क्रेजी मेंटल असाइलम के बी विंग में आप सब यंग ग्रेजुएट डॉक्टर्स का इस एजुकेशनल टूर पे स्वागत है। आई एम डॉक्टर अशोक एंड दिस इज माई कोलीग डॉक्टर कुमार। यहाँ के पागल बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके मोबाइल फोन्स, चेन्स और सारे वैल्यूएबल्स हमारे पास दे दीजिए, जस्ट फॉर सेफ्टी। जब तक टूर खत्म नहीं होता तब तक वो सारी चीजें यहाँ रख दीजिए। अभी हम ये सब सेफ डिपॉजिट लॉकर में रख के आते हैं, आप लोग यही बैठो, विल बी बैक। डे लाइट रॉबरी। बॉयज एंड गर्ल्स, यू ऑल आर अ पार्ट ऑफ डे लाइट रॉबरी। मैं इस इंस्टीट्यूशन का वार्डन हूँ, YM Raj, लेकिन इन जैसे लोगों के लिए हूँ यमराज। ये दोनों कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, ये तो यहाँ के पुराने कैदी हैं जो खुद पागल है। हाय, हेलो। जो तुम लोगों को लूटने आए हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग लूट नहीं रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे, ओनली जॉकिंग्स। शट अप यू पागल्स। हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। तो अभी ठीक किए देता हूँ, इज़न्ट इट? हियर वी गो। अरे बाप रे, चटके बिजली के चटके। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बंद करो बिजली के चटके, बिजली के चटके। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कल के कल के अरे बाप रे। सर अभी ये अंदर क्या हुआ, ये दोनों कौन है? तू नया है ना, इसलिए तू नहीं जानता इन दोनों को। ये हमारे वार्ड बी के सबसे प्यारे पागल हैं, ये अशोक, ये कुमार। अगर इन दोनों के पास आधा आधा दिमाग भी होता ना, फिर भी आधा ही दिमाग होता। मगर बिजली देख के ये दोनों को क्या हो गया? ये दोनों छोटे मोटे चोर थे, साउथ हॉल के स्मगलर डॉन करंटी बिजलानी के पराठे के स्टॉल पे पराठे बनाया करते थे। अरे बिजलानी सेठ, आप आटा क्यों लाए? आटा तो बहुत है हमारे पास। अरे बाबा, ये आटा नहीं, कोकेन है, कोकेन। आटे की बर्नी में कोकेन? मुंजो माथो खराब मत कर, ये पराठा का स्टाल है, यहाँ आटे की बर्नी में कोकेन रखेगा तो सारी दुनिया को लगेगा कि ये आटा है। आजकल नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का बहुत चेकिंग चल रहा है, संभाल के रखो, पार्टी से पूरा एडवांस ले चुका हूँ। डोंट वरी बॉस, आपका काम हो जाएगा। बड़ी सही हाक क्यों मारता है? आप फिकर मत करो बॉस, जैसे करनी वैसे बरनी। फिर से आग मारा, डोंट मेक इट सो ऑब्वियस, गो इनसाइड। हेलो एंड वेलकम टू कौन बनेगा मिलियनेयर, मैं हूँ आपकी होस्ट संदोष शनाया।
इस रियलिटी शो में एक आम आदमी जिसे मैं सिलेक्ट करूंगी उसे एक मिलियनेयर की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा एक हफ्ते के लिए। ओह माय गॉड, उस लकी कंटेस्टेंट को मिलेगा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आलीशान महल, इन शॉर्ट वो सारे ऐशो आराम जो सिर्फ एक मिलियनेयर के नसीब में होते हैं। क्या आप एक मिलियनेयर हैं? नो वे, मैं तो स्टूडेंट हूँ। क्या आप एक मिलियनेयर बनना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, कौन नहीं बनना चाहेगा। परफेक्ट, सो यू आर सिलेक्टेड ऑन कौन बनेगा मिलियनेयर। यार कुमार, तू फिर से ये बकवास टीवी शो देख रहा है। खामोश अशोक, खबरदार जो शो को बकवास कहा तो। यार इस लड़की का बहुत बड़ा फैन हूँ यार मैं, तू देखना एक दिन यही लड़की हमें रस्ते से उठाकर बनाएगी करोड़पति रे। यार तू सपने देखना बंद कर, बहुत सारे कस्टमर्स बैठे हैं, अगर जल्दी से तूने पराठे नहीं बनाए तो करोड़पति नहीं, हम बनेंगे रोडपति रे। आटा कहाँ है? आटा तो खत्म हो गया। आटा 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 कहाँ है? आटा आटा आटा। उस दिन उस होटल में लोगों ने कोकेन के पराठे खाए, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, इन सब के साथ कोक फ्री। क्या बात है यार, आज तेरे पराठों की बहुत डिमांड है। अरे कमाल, मेरा नहीं, कमाल तो आटे का है। ऊपर की आटे की बर्नी खत्म हो गई तो मैंने नीचे से इस आटे की बर्नी को इस्तेमाल कर लिया। क्या हुआ? ये तूने क्या कर दिया? क्यों? ये आटा नहीं था तो? ये बिजलानी का कोकेन था। तूने कोकेन के पराठे बना दिए। ये देख, ये पराठे कोकेन के पराठे, पराठे कोकेन के, कोकेन के पराठे। बिजलानी ने उनको बिजली के इतने शौक दिए कि उनके दिमाग का केमिकल बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया। उनकी दिमागी उम्र घटती गई और बच्चों जैसी हो गई। अले बापले, चटके लग रहे हैं, चटके लग रहे हैं। अब जब भी ये बिजली के करंट देखते हैं तो इन्हें दौरे पड़ते हैं। वैसे तो ये दोनों हैं 30 साल के, मगर दिमाग है 5 साल के बच्चे का। बेचारे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। लंच टाइम हो चुका है, 12 बज गए। हम लोगों के तो बहुत पहले ही 12 बज गए थे। 12 बज गए? हाँ। चल 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 चल। कम ऑन। अरे तू हर दिन लंच टाइम पे इतनी रिस्की चीज क्यों करता है? वो वार्डन यमराज ने हमें पकड़ लिया ना तो टॉर्चर कर करके जान ले लेगा हमारी। मैं हर पिटाई, हर टॉर्चर सहने को तैयार हूँ। Because she's worth it. I love her, यार। ए, तू से इतना लव करता है तो बोल क्यों नहीं देता? और बोलू भी तो क्या बोलू? यही पकड़े गए कि तुम पागलों की डॉक्टर हो और मैं पागलों का राजा है। आओ पगला प्यार करें, है ना? है ना? अरे इसमें शर्माना क्या? मैं तो कहता हूँ दीवार कूद के अभी जाओ और अभी के अभी कह दो। आई इंसिस्ट, प्लीज। देखो नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। जाओ चल, चल, जाओ ना। थैंक यू, थैंक यू। चल चल चल। हाउ डे यू। नीचे उतरो, नीचे उतरो। अगर ये मेरे हिटलर चाचू का जर्मनी होता तो तुम दोनों को गैस चेंबर में डाल देता और अपना पर्सनल गैस इस्तेमाल करता मैं। पागल कहीं के? हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। पकड़ो। एक्सक्यूज मी, आप बार बार ये हड्डी क्यों दिखा रही हैं हमें? और हमें इस पागल खाने में क्यों रखा गया, वो भी इन स्ट्रेट जैकेट्स में? हम आपको पागल लगते हैं क्या? आप जानती हैं मैं कौन हूँ? आई एम अशोक सिंघानिया।
अगर इमीडिएटली हमें इन स्ट्रेट जैकेट से नहीं निकाला गया, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस मेंटल इंस्टीट्यूशन को मिलियंस ऑफ पाउंड्स के लिए सू कर दूंगा। प्लीज काम डाउन। नो यू काम डाउन। इमीडिएटली खोलिए हमें। ठीक है वॉट बॉय, टेक देम अवे। अरे कहां से रहे वॉट बॉय? टेक देम अवे। ओके ओके, वन सेकंड, वन सेकंड, वी आर काम। ओके सी, ऑलराइट, प्लीज ओपन देम फास्ट। थैंक यू। अब सिविलाइज लोगों की तरह बात करते हैं। मैं बस आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी। कैन वी स्टार्ट? या यस। आप दोनों को लास्ट चीज क्या याद है? कल हम एक बोर्ड मीटिंग में थे। यस। मैं वहां कुछ प्रेजेंट कर रहा था और बस उसके बाद फिर हमारी आंख खुली और हम लोग यहां थे पागल खाने में, स्ट्रेट जैकेट्स में। अमेजिंग टेम्पररी मेमोरी लॉस। पेशेंस को याद ही नहीं कि वो कब कुत्ते बने। I'm sorry, क्या कहा आपने? कि आप कब कुत्ते बने? कुत्ते? 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 What rubbish are you talking? I'm serious. कल आप दोनों कुत्तों की तरह बिहेव कर रहे थे। अरे अरे यार, कुत्ता बोली यार। अगर हम कुत्ते ना तो तुम बिल्ली हो। हाँ? तुम छिपकली हो। तुम चमगादड़ हो। What's a चमगादड़? चमगादड़ is a bat यार। Batman। चमगादड़? Yeah। हाँ तुम घमचादड़ हो। अरे घमचादड़ नहीं, चमगादड़। हाँ अब तुम जो भी हो वो भी हो, सारा जू हो। What boy, take the back. Okay, 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 no. Okay, listen, listen. Sorry. Okay. Ma'am, I think they need some water. Yeah, please give them. पानी पीजिए। देखिए डॉक्टर, आखिरी बार हम आपसे कह रहे हैं प्यार से, हम कुत्ते नहीं हैं। पब्लिक हैरेसमेंट है। तुम्हारे कुत्ते ने मेरा पूरा गाड़ी सूंघ लिया, पीछे के सीट पे मुंह था पर कोई ड्रग्स नहीं मिला। नाउ कैन आई गो प्लीज? ऑलराइट, लेट हिम गो। थैंक यू, थैंक यू। अरे बाबा सोगड़ कुमार, तुम कुत्ते की तरह भौंकता क्यों है, सूंघता क्यों है? बाबा मुझ पे क्यों भौंकता, मैं करंटी बिचलानी। अरे बाबा अंदर क्या ढूंढता है, क्या सूखता है? अरे बाहर निकलो। ड्रग्स? अरे बाबा ऑफिसर, ये ड्रग्स मेरा नहीं है, ये गाड़ी भी मेरा नहीं है। अरे मैं तो टैक्सी में आया था। अरे अशोक और कुमार, मैं तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं। हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई शिवानी? सर वो अशोक कुमार सच बोल रहे थे, उनके साथ साजिश की गई है, कोई इन्हें पागल बनाना चाहता है, इसीलिए हमारा वार्ड बॉय उन्हें ड्रग पिला रहा था। और तुमने जब वार्ड बॉय से पूछताछ की तब उसने क्या बताया? सर वो वार्ड बॉय अपना मुंह ही नहीं खोल रहा है। वी शुड कॉल द पुलिस। पुलिस? नो 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 शिवानी, देखो वार्ड बॉय से तुम बाद में निपट लेंगे, लेकिन अभी अगर हम पुलिस के पास गए तो अशोक सिंघानिया पे केस ठोक देगा, ये हॉस्पिटल बंद करवा देगा। हम क्या करते हैं,
तुम अशोक और कुमार से कहो कि उन्हें छोड़ा जाना है, क्योंकि वो ठीक हो गए हैं, दे आर क्योर्ड। और उनकी एक भी बात मत सुनना, कुछ भी करके उन्हें यहाँ से बाहर निकाल देना। इनफैक्ट उनको अभी के भी छोड़ दो। अभी नहीं सर, अभी वो कुत्ते हैं, मुझे काट लेंगे। सुबह जब वो इंसान बनेंगे तब छोड़ दूंगी। ठीक है, ये तो खाली है, मेरी डॉक्टर कहाँ है? वो तो लंच टाइम पे आती है ना। आज वैलेंटाइन डे है ना, उसके लिए गिफ्ट लाया हूँ। An apple a day keeps the doctor away. Nobody can keep her away from me, okay? मैं जा रहा हूँ उस पर वार्ड में, उसको फेस टू फेस मिलूंगा और उसे ये गिफ्ट दूंगा। तू भी चलना मेरे साथ, 2 मिनट लगेंगे, बस वहाँ जाएंगे, उसे गिफ्ट देंगे और वापस आ जाएंगे, ओके? सिर्फ 2 मिनट? हाँ 2 मिनट, कम ऑन। What calm down यार, अच्छा आज तुम हमें यहाँ से डिस्चार्ज कर रही हो, वरना मेरे लॉयर्स इस पागल खाने को हमेशा के लिए बंद करवा देते। छोड़ना है, अब हम बाहर जा ही रहे ना। आइए आइए सर, सर प्लीज आइए। सर आप लोग बस यहाँ थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं आपके डिस्चार्ज पेपर्स अभी लेकर आती हूँ। Now what papers? Listen, you release us immediately. Sir, enough is enough. सर पेपर वर्क तो जरूरी है ना, बस थोड़ा टाइम लगेगा सर। वार्ड बॉय, यस मैम, आप मिस्टर अशोक और मिस्टर कुमार के कपड़े अभी लेकर आओ। यस मैम। सर प्लीज आप लोग वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। प्लीज हरी अप। यस सर, सॉरी सर। बैठ बैठ। सर सर सर, क्या अशोक और कुमार वार्ड ए में खुद गए? ओह गॉड, व्हाई आर यू सो काइंड टू मी, थैंक्स। यार वो पेपर वर्क के लिए कितना टाइम लगा रही है? रिलैक्स यार, आ जाएगी वो। अरे क्या रिलैक्स यार, मुझे घर जाना है। अच्छा ठीक है, चल कॉफी पीते। आई डोंट वांट कॉफी। चल ना कॉफी पीते। नहीं चाहिए कॉफी, तब तक आ जाएगी वो, चल कॉफी पीते। आ जाएगी तब तक, चल। टू लाटेस प्लीज। शो हम शक्ल हम शकल, हम शकल, हम शकल। ये लो कपड़े। कपड़े? हम लोग नंगे थोड़ी है, हम लोग कपड़े पहने हुए हैं। अरे डॉक्टर शिवानी ने कहा है तुमको देने को। डॉक्टर शिवानी, फिर तुम जरूर पहनेंगे। जाओ वहां टॉयलेट में जाके बदलो। तू गुस्सा क्यों हो रहा है? देख हम थोड़ी देर में छूटने वाले। Let's just enjoy this weather and have this lovely latte. Okay. हम शकल। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम लवली डे फॉर कॉफी, राइट? एक्चुअली ये कॉफी नहीं, दिस इज लाटे। लाटे लाटे, लेकिन लाटे पीते नहीं है, लाटे तो खाते हैं। वार्ड ए में चले आए हैं पागल कहीं के। देखिए हम पागल नहीं है। हाँ हाँ तुम पागल नहीं हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, यही ना? Grab them, come on, take them away. अरे अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, let me go. हम शकल। Happy Valentine's Day. Thank you. आप पास से और भी खूबसूरत लगती हो। पास से तो ये एंजेलिना जोली लगती है। लगता है इनके पागलपन का दौरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। चलें? कहाँ? आइए, आप आइए मेरे साथ प्लीज। चलें? कंफ्यूजन शुरू हो गई। हम शकल। ओपन द गेट प्लीज। आप हमें गेट के पास क्यों ले आई? क्योंकि बाहर का रास्ता मेन गेट के उस पार है। और आज वैलेंटाइन डे है ना? या। तो उसकी खुशी में आपको रिलीज किया जा रहा है। ओह वाओ, आपके रिलीज पेपर्स। थैंक यू। गुड बाय। क्या हुआ मिस्टर अशोक?
I hate goodbyes. Goodbye, Huggy. Okay. Yay! Don't go. Mr. Shok, जा मैं नहीं रही, जा आप रहे हैं. Goodbye. Doctor. अब क्या है? Goodbye, किसी. Goodbye. अबे चलना, कम से कम अब उस ऐसे यमराज का थोपड़ा तो नहीं देखना पड़ेगा. अगर दुनिया में कहीं जहन्नुम है तो यही है, यही है, यही है. आज मैं तुम्हें जो टॉर्चर करने जा रहा हूँ वो इतना भयानक होगा, इतना भयानक होगा कि मेरे भगवान जंबो इदी अमीन वल्लाहु अल्लाह सद्दाम अख्तुंग हिटलर यार भाई भाई यार भाई भाई गद्दाफी और चिकन अका नूडल किम जोंग मुझे टॉर्चर का गोल्ड मेडल देते. अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं साजिद खान की हिम्मत वाला. अशोक कुमार कुमार, सो गुड टू सी यू गाइस. मैं अभी मेंटल असाइलम ही जा रही थी तुम दोनों से मिलने, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज वैलेंटाइन्स डे है ना, तो हमें डिस्चार्ज कर दिया. ऑफ कोर्स, वो तो करना ही था. तुम दोनों पागल थोड़ी ना हो. अरे वो हम कब से बोल रहे हैं, हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है. अशोक तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? और कुमार तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ओह माय गॉड, तुम शनाया हो ना, वो रियलिटी शो वाली. ए, ये शनाया है. तेरी शनाया रियलिटी शो वाली. ओ मैडम मैडम, ये आपका बहुत बड़ा फैंस है. लगता है इनके पागलपन का दौरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ बेचारे. देखो मुझे लगता है तुम दोनों को आराम की जरूरत है. चलें? कहाँ? घर. समझ गया, अब हमें यहाँ बहुत बड़े घर में लेके जाओगी ना, है ना? घर नहीं बाबा, मैंशन, तुम्हारा मैंशन. चलें? ड्राइवर मैंशन. अरे हम नाच क्यों रहे हैं? अरे डम्बो, हम लोग रियलिटी शो में है, कौन बनेगा मिलियनेयर जिसने ये शनाया किसी को भी रास्ते से उठाकर करोड़पति बनाती है. और इस बार तुझे चुना गया, तुझे मैंशन भी मिला है. ये अल्बर्ट, शनाया जी का मैसेज आया कि कुमार सर और अशोक सर घर आ रहे हैं और तुम पी रहे हो. कितनी बार तुमसे कहा है काम के वक्त पिया मत करो, कहा है कि नहीं? जी मैडम. दोबारा अगर ड्यूटी में पीते हुए देखा ना, नौकरी से निकाल दूंगी. Won't happen again, madam. पागुल छागुल को थकार. मैं बॉटल में से लेबल ही निकाल दूंगा, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा. वोडका है कि पानी. मैंने इसको ऐसे लात मारा और वो गिर गया. वेलकम होम. व्हाट अ हाउस. ए डम्बो, ये रियल हाउस नहीं है, सेट है सेट. पीछे जाके देख, बांबू लगे होंगे. बट ये कैसा रियलिटी शो है, कैमरास दिख ही नहीं रहे. बिग बॉस में कैमरास दिखाई देते हैं? नहीं ना, ये उसी फॉर्मेट में हिडन कैमरास. और ये सब नौकर चाकर? ये भाड़े पे लाए बर्थडे आर्टिस्ट. और ये कौन है जो चल के आ रही है? ये सपोर्टिंग एक्टर है. अब तो सिर्फ मिलियनेयर की एक्टिंग करोगे? ओके ओके. वेलकम सर, इट्स सो गुड टू हैव यू बैक. हेलो यंग लेडी. ए वाव, ये तो प्राण साहब है. ए राजेंद्रनाथ की मिमिक्री कर. हुई हुई वाह वाह हा हा, क्या हाउस है, क्या ब्लाउज है, क्या आपका कोई स्पाउस है? हुई 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 हुई. वाव. अरे तुम कहाँ जा रहे हो? शोना,
Did you miss me? কত মিস করেছি তোমাকে। মালা মাফ করা মাউসি, মালা পাঞ্জাবি আজিপাত ইয়েত নাই। Means I understand no পাঞ্জাবি। মাউসি, অশোক। অশোক। Wow! Sandwiches! Yay! Yay! Sir, sir, अपने फादर से नहीं मिलेंगे? Father? इसका फादर बहुत साल पहले लुढ़क गया। ओ मेरे, ऐसे मत बोलो। वो लुढ़की नहीं, कोमा में है। कोमा? Excuse please. इसमें कोमा वाले बाप का एंगल भी है। वाओ, क्यों? टीआरपी के लिए। टुपेर को औरतें देखकर बहुत रोती है ना। समझ गया, तो मुझे क्या करना होगा? तंबू, अगर कोमा वाले बाप का एंगल है तो तू भी डेली सो के एक्टिंग करना। तुझे पता है इसकी सबसे ज्यादा टीआरपी ना गुजरात से आती है। समझी गयो, समझी गयो। वाओ, किधर है पापा? पापा छह बरस थी कोमा में, छह साल से कोमा में है। तुम्हारी याद में 15 लीटर आंसू भावी दीदा। इनकी याद में बंदर की तरह आंसू बहा रहा है। जागी जाओ पापा, जागी जाओ, जॉगिंग पे जाओ पापा, जॉगिंग पे जाओ। देख बेटा, अपने पाप से बात कर रहे। आप दो मिनट बाहर जाएंगे। तुम जा पाया पड़ दो अभी, प्लीज बाहर जा, बाहर जा। ये फॉरेन मौसी पापा, लौकर सा पापा। ए, कितना ओवर एक्टिंग कर रहा है तू। उठ जा अंकल, उठ जा। ये उठना, ये अंकल, 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 अंकल। क्या मेथड एक्टिंग कर रहा है अंकल? ये मेथड एक्टिंग क्या होता है? एक बार कैरेक्टर के अंदर घुस गया ना तो एपिसोड खत्म होने के बाद ही बाहर आता है। तो पूरे एपिसोड में ये ऐसे ही लेटे रहेगा? हाँ, इसी के तो पैसे मिलते हैं अंकल को। वाओ, वीडियो गेम्स, वाओ। ये चल क्यों नहीं रहा है? खराब हो गया। अरे डम्बो, ये खराब नहीं हुआ है, इसका वायरिंग में फॉल्ट है। रियली? ये देख। ये डम्बो, ये वायर यहाँ नहीं, यहाँ जाता है। अरे यहाँ पर तो फिट नहीं होगा, ये यहाँ नहीं, यहाँ जाता है। यहाँ नहीं जाता, यहाँ जाता है। नहीं जाता, वहां जाता है। डाल। ए, गेम चालू हो गया। I won. हाँ मिश्री, बोलो। अशोक और कुमार को मेंटल असाइलम से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो लोग घर पे हैं। What? Good. That's great news. तुम एक काम करो, तुम उन दोनों का ख्याल रखो। मैं कल ही मॉरिशस से वापस आता हूँ। I'll see you guys then. Okay sir. Hello. तूने तो कहा था कि जब तक चाहे तू उन दोनों को हॉस्पिटल में रख सकता है। हाँ कहा था। तो वो दोनों असाइलम से छूटे कैसे? What? अजीब बकवास कर रहा था कि जिंदगी भर के लिए उन दोनों को कुत्ता बना के रख सकता है। एक मिनट मेरी बात सुन। मैं अभी जाकर असाइलम में पता करता हूँ कि वो लोग बाहर कैसे निकले। आज के आज उन दोनों को वापस असाइलम में डाल। तू बाहर कैसे निकल गए?
अबे दो घंटे से लगा हुआ है, जल्दी कर। तेरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है ना? हाँ, मुझे पता चला है कि बाथरूम की सीलिंग में से बाहर निकलने का रास्ता है, पर जल्दी कर। अबे 50 ग्लास पानी पी चुका है, कितना पानी पिएगा? मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दे। जोर से लगी है। अबे वार्डन ने पकड़ लिया तो मार डालेगा, जल्दी कर। जाऊं पर मैं आता हूं। I can't believe you, यार जल्दी कर। हम लोग पकड़े जाएंगे। संडास में गफिया पकड़ लिया। क्या हुआ बेबी? हमने सारे सर्वेंट्स को छुट्टी देके अपने हाथों से तुम दोनों के लिए स्पेशल वैलेंटाइन डिनर बनाया है, और हमें लगा चिकन आला कीफ तुम दोनों का फेवरेट है। हमारा फेवरेट आलू का पराठा है। आलू का पराठा? लेकिन हमें तो आलू का पराठा बनाना नहीं आता। तो क्या हुआ, हम लोग बना देंगे ना? तुम लोग कब से आलू का पराठा बनाने लगे? मोहतरमा, इस दुनिया में सिर्फ दो चीजें फेमस है, चीजें, ब्रूस ली का कराटे और अशोक कुमार के पराठे। डीरी डीरी डे कहाँ है तुम्हारा बावर्ची खाना? कहाँ है? पहले आटा डालो, आटा डालो, आटा डालो, उसके बाद बहुत सारा पानी डालो, पानी 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 पानी। मजा आ गया यार, तू कभी कभी कमाल के पराठे बनाता है। ऐसे पराठे मैंने जिंदगी में पहले कभी आई। मुझे ना जो जो ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे भी दो दो कुमार दिखाई दे रहे हैं। कम हियर, इधर आओ।
वैलेंटाइन का डिनर तो हो गया, अब वैलेंटाइन की बातें करूं। नो, डिनर के बाद हमको मॉर्निंग वॉक पे जाना है। कमान कमान इसको बोल, वहां भी लगाओ। कमान स्टिक इट अप देयर, देयर एज वेल। आसमान में लगाओ, जमीन पे लगाओ। देखता हूँ मेरे चुंगन से बचे। मेरे इलाके में गाड़ी, एक्सक्यूज मी, ये अशोक और कुमार के पोस्टर सब जगह क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि यही दो कुत्ते हैं जो इस पागल खाने से भागे हैं। भागे मतलब इनको छोड़ा नहीं गया? अरे इन्हें तो मैं कभी ना छोड़ू, लेकिन आपकी तारीफ। मेरी डायग्नोसिस के बाद इन दोनों को इस पागल खाने में भर्ती किया गया। आई एम डॉक्टर खान। डॉक्टर? तुम डॉक्टर कम और किसी प्रोटीन शेक के मॉडल ज्यादा लगते हो। ये दोनों इस वक्त कहाँ छुपे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सच? अगर तुम मुझे बता दो ये दोनों कहाँ छुपे हैं तो मैं तुम्हारी रातें रंगीन कर दूंगा। What do you mean? I mean, मैं तुम्हें कलरफुल फ्लैम्स दूंगा प्रेजेंट में। Okay? And don't get ideas, मिस्टर। मैं तुम जैसे बाकी नौजवानों को अच्छी तरह जानता हूँ। तो सुनिए। हाँ कहो। लेकिन दूर से। तो फिर जोर से बोलो मगर कान में। जॉर्ज, अल्बर्ट, स्टेला। अरे कहाँ मर गए सब लोग यार? छोड़ना यार। ए पराठे, लगता है तेरी गैर मौजूदगी में तेरा स्टाफ पराठा पार्टी कर रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं पराठे खा रहा हूँ यार। हाँ यार मैं भी। अरे मेरे रसगुल्ला इतना दूर क्यों जा रहा है मुझसे? रुको रुको, हम लोग कपड़े बोल के नाचे। नचू नचू। कैसा स्टाफ है यार तेरा, और कैसे पराठे बनाए उन्होंने, खाने के बाद मेरा सर घूम रहा है यार। स्टाफ है यार, स्टाफ को सब माफ है यार, मिलाया होगा कुछ मसाला यार, मेरा भी सर चकरा है। चल जाके सो यार। पहले कपड़े बदलते हैं। हम शक्ल Oh, baby.
मेरे घर में तू चेक इन हो गई है, तेरी मेरी अब सेटिंग हो गई है, टीवी पे न्यूज ब्रेकिंग हो गई है, टीवी पे न्यूज ब्रेकिंग ब्रेकिंग हो गई है, मैं लापता तू लापता, तेरा ये दिल मेरा पता, तेरे लिए ये पलकों पे है ख्वाबों की बारात, I'm so crazy for you baby, don't you break my heart, हो न जाए बर्बाद तेरी मेरी बोलो। What? चैनल का हेड मुझसे मिलने यहाँ है? Oh my God! I think मेरे शो को एक्सटेंशन मिलने वाला है। Thanks for letting me know. Okay, I'm going getting ready. Bye. इस रियलिटी शो का चैनल हेड यहाँ पे आ रहा है। हम जो अभी ये रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उसके चैनल का मालिक आ रहा है। तो उसे पटाएंगे तो हमें वो शो जितवा देगा। क्या बोलता है? पर हम उसको पटाएंगे कैसे? आइडिया। मेरी दादी कहती थी अगर किसी को पटाना है तो उसको मस्का लगाओ। ए, वो देख, लगता है वही है सर। हम शकल। ये दोनों अभी तक यहीं पर हैं। साला खान एक छोटा सा काम नहीं कर सका। अशोक कुमार सर, आइए सर, आइए 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 सर, आइए सर, बैठिए ना सर। सर अब कितने हैंडसम हो। सूट सर, सर शोल्डर मसाज, शोल्डर मसाज। ये क्या सर सर लगा के रखा है? अशोक कुमार तुम लोग दोनों ठीक तो हो ना? अरे ठीक क्या, हम एकदम फर्स्ट क्लास है सर। सर आपका ये रियलिटी शो ना कौन बनेगा मिलियनेयर कमाल का शो है सर। ये रियलिटी शो? अशोक कुमार तुम लोग जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? अरे सर आपको कौन नहीं पहचानता, आप चैनल 9 के मालिक हो। ए? जब शिवानी जी ने हमें असलम से छोड़ा और शनाया जी ने रस्ते से उठाकर यहाँ पर पार्टिसिपेंट बनाया तब भी फीलिंग सी आ गई थी कि हमारा टाइम बदलने वाला है, हमारा टाइम बदलने वाला है। हमें नाचना भी आता है सर, देखिए हम कितने अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं, हमारे दांत भी अच्छे हैं। अरे हमारे मसल्स देखिए सर। तो क्या कर रहे हो? हमारा फाइट सीन देखिए। ओके और ये देखिए सर। अरे तुम लोग क्या कर रहे? और देखिए सर इसका डेथ सीन कितना कमाल का है। रेडी रेडी हमने आपको पूरा स्क्रीन टेस्ट भी दिखा दिया सर। अब तो हमें जिता दीजिए शो, अब तो हमें जिता दीजिए शो। देखिए सर ये शो जीतने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या मतलब तुम्हारा? अरे मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। समझ गया, आप ऐसे नहीं मानोगे ना। टैंग 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 एकदम फ्रेश है सर, भैंस के दूध से बना है। सर अभी मस्का भी लगा दिया, हमें शो जितवा दो सर। ओके 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 ठीक है। अरे बाप रे, जितवा दो
एक और ट्रिक दिखाते हैं, एक और ट्रिक दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैं ये टेबल क्लॉथ खींचूंगा और एक भी बर्तन हिलेगा भी नहीं। ओके, अब्राकडाब्रा, गिली गिली। अरे पागल है दोनों। लास्ट टाइम तो वर्क किया था। लास्ट टाइम तो टेबल पे बर्तन भी नहीं थे। हेलो खान, तूने पता लगाया कि अशोक और कुमार पागल खाने से कैसे छूटे? एक्चुअली वो छूटे नहीं थे, भागे थे। लेकिन मैंने कल रात को वार्डन की मदद से उन्हें वापस पागल खाने पहुंचा दिया है। तो फिर एक बात पता कमीने, इस वक्त वो दोनों घर के गार्डन में क्या कर रहे हैं? मतलब यू इडियट, वो दोनों यहीं पर है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो दोनों इस वक्त मेरी नजरों के सामने पागल खाने की बीविंग में है। क्या बकवास कर रहा है? मैं सच कह रहा हूं, अगर यकीन नहीं आता तो खुद आके देख लो। क्या क्या बकरा है तू? यहां पर भी दो तो है। यू नो व्हाट दे हैव डन टू मी एट होम? मस्का लगाया मेरे चेहरे पे। अब क्या? मामा जी, अशोक, थैंक गॉड यू आर हियर। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम पागल खाने में क्यों हैं? और हमें तो छोड़ दिया गया था, फिर हमें यहां क्यों रखा जा रहा है? अशोक कुमार, आई एम सो सॉरी अबाउट ऑल दिस। ये जरूर हमारे राइवल कंपनीज ने किया होगा, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो। तुम दोनों को यहां से निकालने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा, और जब मुझे पता चलेगा कि उस बोर्ड मीटिंग के दौरान तुम्हारे ग्लास में ड्रग किसने मिलाया था, मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम दोनों को यहां से निकालने वाला हूं। ओके, आई विल बी बैक। मामा जी, आपको कैसे पता चला हमारे ग्लास में ड्रग्स मिलाए गए थे? बेटा वो डॉक्टर ने बताया ना। हाउ कुड आई नॉट सीन दिस कमिंग? ये सब आप ही ने करवाया है। नो अशोक, ऑफ कोर्स नॉट। डेड कोमा में, मैं यहां जेल में, तो कंपनी कौन चलाएगा? आप। और कंपनी के क्लॉज में लिखा है कि अगर तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया तो टेम्पररी पावर ऑफ अटॉर्नी आपको मिल जाएगी, जो बहुत जल्द परमानेंट हो जाएगी। पकड़ लिया। आखिर मेरी सच्चाई तुम दोनों के सामने आ ही गई। बट लुक एट द आयरनी ऑफ लाइफ, पकड़ा गया हूं मैं और सलाखों के पीछे हो तुम लोग दोनों। हाँ, वो ड्रग मैंने तुम्हें पिलाया था और उस ड्रग को बनाया था डॉक्टर खान। बहुत कमीना आदमी है ये कुंवर अमरनाथ सिंह, KANS कंस। जिसके नाम में कंस हो वो अच्छा है कैसे दिखा सकता है? अगली बोर्ड मीटिंग में सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नया मालिक बनूंगा मैं, और सारी जायदाद मुझे ऑफिशियली हैंड ओवर करोगे तुम। अब तुम पूछोगे कि कैसे? तुम दोनों के हम शकल्स है हमारे पास, और वो इस वक्त तुम्हारे घर पर है। और ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि असली पागल वो दोनों है और उन दोनों की जगह तुम दोनों यहां पर हो। डू यू नो व्हाट आई मीन? दो डबल रोल। कोइंसिडेंटली उन दोनों के नाम पता क्या है? अशोक एंड कुमार। अब उन बेवकूफ हमशक्ल्स का इस्तेमाल करके मैं सारी जायदाद अपने नाम करने वाला हूं। और हां, कल रात के ग्रेट एस्केप के बाद यहां से भागने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहां के सारे सिक्योरिटी लॉक्स चेंज कर दिए गए। अब तुम दोनों यहां पर सड़ते रहो। सी यू गाइस लाइक नेवर।
मैंने सब कुछ देख लिया है, सब कुछ सुन लिया है। ये क्या कर रहे हैं? मैं आप दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूं, आओ मेरे साथ। देखो मुझे अपना दोस्त समझो, आओ आओ। यहां सिर्फ दो हमशक्ल्स नहीं, तीन हैं। हॉस्पिटल का सबसे खतरनाक, सबसे पागल पेशेंट है, इसीलिए इसे गुप्त वार्ड सी में रखा गया है। जॉनी, जब मैंने तुम्हारे मामा को देखा तब मुझे भी यकीन नहीं हुआ, जिस तरह से अब तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा है। तैयार हो जा कंस, तेरे पास अगर हमारे हमशक्ल हैं, तो हमारे पास तेरा हमशक्ल है। अब आएगा मजा। अशोक कुमार, मुझे साइरस ने सब कुछ बता दिया है कि तुम लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। Somehow, I feel very guilty. तुम दोनों के हमशक्ल्स के कंफ्यूजन में मैंने अपने ही हाथों दूसरे अशोक और कुमार को छोड़ दिया। अब आप सब जब जानी गई हैं तो ये भी समझ गई होंगी कि जॉनी अब हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर, अगर हमने जॉनी को ट्रेन करके मेरे मामा की तरह बना दिया तो क्या आप हमें यहाँ से निकलने में मदद करेंगी? ऑफकोर्स, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। थैंक यू। एक मिनट, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। माना कि मैं ही ले गया था तुम्हें जॉनी के पास, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे किसी काम आ सकता है। क्यों? उसे थर्ड स्टेज का ओसीडी है। व्हाट? थर्ड स्टेज का ओसीडी? यस डॉक्टर। थर्ड स्टेज ओसीडी? अब ये सब क्या है? अरे ओसीडी यार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वो साफ सुथरे रहने की बीमारी। जो लोग जर्म से डरते हैं ग्लव्स ऑफ पहने। हाँ, मगर वो ओसीडी का स्टेज वन है। स्टेज टू के पेशेंट्स अपनी ही जान के दुश्मन बन जाते हैं, जैसे कि अपने आप को साबुन से इतना मलेंगे कि खून निकलने लगता है। मगर स्टेज थ्री के केसेस तो बहुत ही रेयर होते हैं, ऑलमोस्ट वन इन अ मिलियन। उनकी दिमागी हालत इतनी खराब हो जाती है कि अगर उनके सामने कोई चीखता है तो उन्हें लगता है कि वो इंसान जर्म स्प्रेड करके उनकी जान लेना चाहता है, उल्टा उनके ऊपर वो जानलेवा हमला कर देते हैं। और ऐसा ही जानलेवा हमला जॉनी ने अब तक 17 लोगों पर किया है। व्हाट नॉनसेंस, अगर उसके सामने कोई छींकेगा तो जॉनी उसकी जान ले लेगा क्या? हाँ हाँ। और वैसे भी जो आदमी छींकने पर हमला कर देता है उसे तुम कैसे यूज कर पाओगे? सिंपल, हम उसके सामने छींकेंगे नहीं। प्लीज छींकना मत। छींकना मत, छींकना मत। थैंक यू चीकू मायर। प्लीज हम पे छोड़ दीजिए। हाँ।
Hi, Johnny. I'm Ashok. He's Kumar. Hi. हम दोनों वार्ड बी में हैं, मतलब वार्ड बी में हमारे हमशक्ल्स हैं। एक्चुअली अब वो वार्ड बी में भी नहीं है, वो हमारे घर पे हैं और उनके बदले में हम यहाँ फंस गए हैं। और जिसने हमें यहाँ फंसाया है उसका भी एक हमशक्ल है, जानते हो कौन? तुम। अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम सारी जिंदगी यहाँ पागलों के साथ बिताकर सचमुच पागल बन जाए, या तो फिर उस आदमी से बदला ले जिसने हमें यहां फंसाया है। और अगर हमने दूसरा ऑप्शन चूज किया तो हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। और अगर तुमने हमें हेल्प किया जॉनी, तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा इलाज दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से करवाऊंगा। एक ऐसी जगह तुम्हें ले जाऊंगा जहां तुम्हें इंसानों की तरह ट्रीट किया जाएगा, एक ऐसी जगह जो बिल्कुल साफ सुथरी हो, जहां पे गंदगी बिल्कुल ना हो, जहां पे कोई जर्म्स ना हो, जहां पे कोई नहीं छीकेगा। उसे लॉलीपॉप बहुत पसंद है। What? जॉनी, तुम हमारी हेल्प करोगे ना? कुछ पकड़ा तूने? नहीं, तूने? हाँ पकड़ा। क्या? ये डंडा। अशोक कुमार। अरे सर, आप किधर थे? आप तो भाग ही गए। सारे घर में तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल पॉन्ड में फिशिंग कर रहे हो। अरे सर, हम आपके लिए मच्छी पकड़ रहे हैं। पापलेट, पोम्बिल, रावस, झींगा। शट अप। क्या कर रहे हो तुम लोग? आपने बोला शट अप तो हम शट अप कर रहे हैं। नीचे करो, पुट इट डाउन। तुम लोग ऐसी उटपटांग हरकतें करने आए हो या शो जीतने? शो जीतने। तो फिर छोड़ो ये सब, मुझे तुम दोनों की ट्रेनिंग शुरू करनी है। कैसी ट्रेनिंग सर? मिलियनेयर बनने की ट्रेनिंग। तुम लोग ये रियलिटी शो जीतना चाहते हो ना? 1 million pounds कमाना चाहते हो ना? यस सर। हमारे चैनल में हजारों ऐसे मैसेज आए हैं, लोग तुम दोनों को बहुत पसंद कर रहे हैं। सीधे खड़े रहो। तुम लोग ऐसी हरकतें करोगे, ऐसे ऐसे कपड़े पहनोगे तो तुम लोग डिस्क्वालिफाई हो जाओगे। सॉरी सर। आज से मैं भी इस रियलिटी शो में आ रहा हूँ। हैं? आप? लेकिन चैनल का हेड बन के नहीं, अशोक तुम्हारा मामा बन के। इसकी माँ का भाई यानी कि मामा। इन शॉर्ट, जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम दोनों को करना है, बगैर कोई सवाल पूछे। ओके सर, हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। बस शो जिता दो सर, शो जिता दो प्लीज। जितवा दूंगा। कमाल करते हो यार। ये
बस अब तुम देखते जाओ, जब तुम दोनों मेरे साथ सारी बोर्ड मीटिंग्स और पार्टीज में जाओगे, वाओ, पूरी दुनिया चौंक जाएगी जब मैं कहूंगा, जेंटलमैन, आई प्राउडली प्रेजेंट टू यू कुंवर अमरनाथ सिंह। रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अशोक और कुमार अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इसलिए मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूं कि पावर ऑफ अटर्नी एक बार फिर से अशोक सिंघानिया के नाम कर दी जाए। ब्रिलियंट। यस। मामा जी। थैंक यू। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड, अब अपने अपने सेल में पहुंच जाओ इससे पहले कि वो यमराज यहाँ आ जाए। मेरा नाम लिया, मुझे याद किया। सर प्लीज हमें टॉर्चर मत कीजिए, हम आपके पैर पड़ते सर। मेरे पैर पे कुछ लिखाई नहीं है तो पढ़ोगे क्या? बॉयज यू नो द ड्रिल, क्या बात, क्या बात, ठीक है। हिटलर की फेवरेट डिश चिकन स्टेक। तुम जैसे बहुत सारे पागल वर्कशॉप में बर्मा के गरीब बच्चों के लिए कपड़े और जूते बनाते हैं जो यहाँ से शिप होते हैं। लेकिन उनमें से आधे मैं यही बेच देता हूँ। पहले तो मैं तुम तीनों को टॉर्चर करूंगा और फिर इन्हीं डब्बों में पैक करके बर्मा भेज दूंगा। मैं बर्मा भेजने वाला था, अब ये बर्मा जाएगा। चलो बाथरूम से भाग निकलने का अच्छा रास्ता है, लेट्स गो। एक्चुअली वार्डन तो अब यहाँ है तो हम लोग मेन गेट से ही जा सकते हैं। आप लोग मेरी गाड़ी की डिक्की में छुप सकते हो। मैं डिक्की पहले साफ करूंगा। परफेक्ट, अब सब ठीक हो जाएगा। परफेक्ट, ये परफेक्ट है। दो दिन बाद वो कंस मामा तेरे हमशक्ल को यूज करके तेरे ही मॉरिशस के बीच रिसोर्ट में सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने तेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करने वाला है। दो दिन में तू बर्बाद होने वाला है, कंगाल होने वाला है, और कह रहा है परफेक्ट। मिष्टी, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। यस सर, मैंने खुद आपके मामा को डॉक्टर खान से फोन पे ये पूरा प्लान डिस्कस करते हुए सुना है। फ्राइडे को डिनर पार्टी, सैटरडे को गेट टुगेदर और संडे को ऑल इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस। इसलिए मैंने परफेक्ट कहा, इससे बेटर मौका हमें नहीं मिल सकता। वो तीनों वहाँ पे एक साथ एक ही जगह पर होंगे और वो भी बोर्ड मेंबर्स के साथ। हम तीनों वहाँ जाएंगे और सही मौके पर उन हम शक्ल के साथ अदला बदली करेंगे और फिर कॉन्फ्रेंस में जाएंगे अशोक, कुमार एंड कंस एंड जॉनी। एज वी डिस्कस्ड, तुम मीटिंग में बोर्ड मेंबर से कहोगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सारी प्रॉपर्टी वापस मेरे नाम करें, ओके? फिर उन तीनों का क्या होगा? बैक टू द पागल खाना, जहां तुम अशोक और कुमार की ट्रीटमेंट करोगी।
और वो कंस का क्या होगा? वो हमेशा हमेशा के लिए वार्ड सी में सड़ता रहेगा। गुड प्लान, डन 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 नॉट डन। क्यों? अगर तुम्हें और तुम्हारे हमशक्ल्स को किसी ने भी साथ में देख लिया तो ये पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि असली कौन है नकली कौन। तो फिर ठीक है, हम तीनों भेस बदल के जाएंगे। डन 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 नॉट डन। अब क्यों नॉट डन? क्योंकि सारी बुकिंग्स कंपनी एम्प्लॉयज और बोर्ड मेंबर्स के लिए की गई है। ईच पर्सन इज अकाउंटेड फॉर। तो आप लोग वहाँ भेस बदल के भी नहीं जा सकते। सर एक रास्ता है, मेरी आज सुबह ही रिसोर्ट मैनेजर से बात हुई है और वो लोग वेट्रेसेस हायर कर रहे हैं। अगर आप पुराना ना माने तो आप लोग वहाँ वेट्रेसेस बन के जा सकते हैं। What? वैसे ऑप्शन बुरा नहीं है, तुम तीनों वेट्रेसेस के आउटफिट में काफी क्यूट लगोगे। That's not funny, doctor. There's no other way, guys. कन से बदला लेने का यही मौका है, इसे हाथ से मत जाने दो। So done, 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 done. मैं लाल फ्रॉक पहनूंगा। Ladies and gentlemen, can I have your attention, please? Thank you. To all our board members and their families, Mauritius में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लो बन गए हम लड़कियाँ, अब और क्या करना है? अब जाओ और उन तीनों पे जम के लाइन मारो और कैसे भी उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देना। वाह, इतना सिंपल है क्या? कोई हम पे लाइन क्यों मारेगा? इसकी वजह से फेरोमोन्स। ये फेरोमोन्स क्या है? वो एड नहीं देखा जहाँ लड़का परफ्यूम लगाता है और सारी लड़कियाँ पागल हो जाती है? समझ लो कुछ ऐसा ही है लड़कियों के लिए। मैंने आपको पहचान लिया, आप तो कुमार हो, आप साउथ हॉल में पराठे बनाते थे ना? पराठे बनाता था लेकिन अब मैं करोड़पति हूँ। करोड़पति ना? मेरे पति तो नहीं। What do you mean? Means, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने जब जब आपका पराठा खाया ना तो आटे का तो पता नहीं पर हमेशा मेरे पर निकल आते थे। प्लीज कैन आई हैव वन ऑटोग्राफ एंड वन पीक? ऑटोग्राफ नहीं, मुझे भूख लगी है, मैं बुफे खाने जा रहा हूँ। अबे कहाँ जा रहा है? 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 मेरा मतलब बुफे तो वहाँ है ना? कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। बेबी डॉल, सही फरमाया तूने, बुफे वहां नहीं यहाँ है। देखिए देखिए, यहाँ कोई देख लेगा ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। इस जगह पे इससे अच्छा तो कर भी नहीं सकता। कदू क्या ऑटोग्राफ? मैं तो डर गई थी। सुनिए, मेरा पेन और मेरा पेपर मेरे केबिन में है, आइए ना मेरे केबिन में। नेकी और पूछ पूछ। पर यहाँ पे नो स्मूच स्मूच, आओ ना। चलो ना, चलो ना, चलो ना। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। So sorry, मेरी वजह से आपकी शर्ट गंदी हो गई। तो साफ कर दो ना। यहाँ नहीं, वहाँ चलिए ना वॉशरूम में साफ करूँ।
जाएंगे। तुम्हारा परफ्यूम तो बहुत अच्छा है, तेरे अंदर के जानवर को जगा रहा है। ड्यूटी फ्री से खरीदा है। ड्यूटी फ्री की छोड़ो, ये ब्यूटी का फ्री होगी थोड़ी देर में। तो फिर एक और ड्रिंक बनाओ। ये तो लोकल माल है, मेरे पास इंटरनेशनल माल पड़ा है पीछे खोपचे में। चलो खोपचे में। वैसे नाम क्या लिखूं? My name is Sona. English में gold या फिर के slip? Slip. वही तो मैं चाहता हूँ बेबे। क्या करो बाबू जी, डर लगता है। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? क्या हुआ? आप जैसे बड़े बाबू लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हो और हम जैसी लड़कियों की छुट्टी करके चले जाते हो। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं भी ऐसा लड़का नहीं हूँ। मेरा मतलब है मैं भी ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो किस टाइप की लड़की हो तुम? चांदी? फॉर्चून? डैम इट, फॉर्चून एयरलाइंस सिली, मेरो से सीना। लेकिन अब उन्होंने मुझे निकाल दिया। क्यों निकाला मेरी जानू को? एक दिन ना मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड ना फ्लाइट पे मिला तो मैं जोर से चिल्लाई हाय जैक। हाय जैक तो तूने मुझे कर दिया है। आपको देख के लगता है कि आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। नो, मेरे बच्चे कबाब बन जाए। तुम्हारा बच्चा है हीरा? नहीं नहीं, इस कली को अभी तक किसी ने फ्लावर नहीं बनाया। कली फ्लावर नहीं, तुम तो कॉलीफ्लावर हो, गोभी का फूल। गोभी का फूल नहीं, मैं तो की फूल हूँ। मैं लॉन्ड्री में पैदा हुई थी ना। तो मुझे तुम्हारी जवानी को ड्राई क्लीन करना पड़ेगा। बाय द वे, तुम्हारे वाइटल स्टैट्स क्या है? 96 84 96। वाह, क्या नंबर्स है। इन नंबर्स का तो मैं नंबर ही दास हूँ। ओ बाबूजी, आपको कितना पसीना आ रहा है, आओ मैं पहुँच देती हूँ। ओ माय गॉड, क्लोरोफॉर्म काम नहीं कर रहा है। अरे डोंट फियर, कम नियर, पुट माय जवानी का स्कूटर इन थर्ड गियर। बाबूजी बाबूजी, आज नहीं। क्यों? आज मेरा व्रत है। कौन सा व्रत? पाठ व्रत। सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना। परफ्यूम सुनाने का ये कौन सा तरीका है? ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है ना। कौन सा? ड्रकार। चक्कर आ रहा है। चक्कर क्यों आएगा मुझे डार्लिंग? क्या कर रही हो? हैंकी पैंकी खेल रही हूँ ना। हैंकी पैंकी तो मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आज नहीं, कल। कल कहाँ? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। अगर वहाँ कोई आता जाता नहीं तो हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? ताकि ताकि हम आप अकेले में मिल सके। ओके, मैं जाती हूँ, बाय। जाती काम बेबी, मुझे जाने दो ना, प्लीज जाने दो, मैं बाद में मिलती हूँ। बचाओ, बचाओ, बचाओ। काम डाउन, काम डाउन। क्या हुआ? सच कहते सारे मर्द कमीने होते हैं। हुआ क्या है? लड़कियों को स्कर्ट में देखा नहीं कि वैश्विक दरिंदों की तरह टूट पड़ते हैं। गर्ल्स, गर्ल्स, हुआ क्या है? इस कल मूवी का क्लोरोफॉर्म काम नहीं किया। क्यों? ओह माय गॉड, आई जस्ट रियलाइज्ड, फेरोमोन क्लोरोफॉर्म के इफेक्ट को किल कर देता है। काम डाउन, काम डाउन। कल तुम उन लोगों के साथ रोमांस करते रहना, बाकी हम पे छोड़ दो। प्लीज प्लीज सिस्टर, देर मत कर देना, वरना वरना ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी।
चल देख रहे हैं दिन में तारे चौली है अरमान हमारे बस तुझको इतनी मांगे मो देख रहे हैं दिन में तारे चौली है अरमान हमारे बस तुझको इतनी मांगे मो खोल दे दिल की खिड़की खोल दे दिल का डोर 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 खोल दे दिल की खिड़की खोल दे दिल का डोर 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 तेरे इरादे हैं बड़े ही शैतानी नॉट अवेलेबल है मेरी ये जवानी नाजुक हसीना मैं हूँ छेड़ा ना मुझे तुम पल दो पल की है तेरी मेरी ये कहानी नियत मैं तेरी जानो रग रग तेरी पहचानो तू चाहे जो भी कर ले बातें ना मैं तेरी मानो दिल का ये गिटार पुकारे चौंधी है अरमान हमारे बस तुझको इतने मांगे वो खोल दे दिल की खिड़की खोल दे दिल का डोर 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 बज गए सारे चौंधी है अरमान हमारे बस तुझको इतने मांगे वो खोल दे दिल की खिड़की खोल दे दिल का डोर 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 खोल दे दिल की खिड़की खोल दे दिल का डोर 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 बेबी डॉल बाबूजी अपने बेडरूम से टेरेस पे क्यों ले आए जैकूजी जब जैकूजी का पानी है गरम तो फिर काहे की शर्म देखो मैं हिंदुस्तानी लड़की हूँ शादी के पहले ये सब नहीं कर सकती हाँ। तो क्यों ना हम जैकूजी के साथ फेरे ले ले शट अप स्काउंडरल वेलकम टू माय कास्टिंग बाबूजी ओहो, ये इंडियन कपड़े तुम पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते चलो इन्हें उतार देते हैं बाबूजी क्या कर रहे हैं आप बाबूजी ऐसा ना करो ऐसे जुल्म ना करो बाबूजी 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 ओह माय गॉड मैं गिर गई बाबूजी तुम वाकई बहुत गिरी हुई लड़की हो बाबूजी बाबूजी ऐसा मत करो बाबूजी अले पापले चटके लगेंगे अले पापले क्या हुआ कहाँ गए दोनों अरे चिल्लाते हो बाहर भाग गए क्यों मुझे क्या पता पागल है दोनों चलो वेरी गुड हमारा काम और आसान हो गया अब जल्दी कपड़े बदलते हैं हमें बोर्ड मीटिंग में पहुंचना है ना जाने उस जॉनी का क्या हाल हो रहा होगा अब तुम कुछ नहीं कर सकते अब तो बिस्तर भी टूट गया तुम खुद एक बिस्तर हो मेरी जान मैं बिस्तर नहीं मैं तो सिस्टर हूँ और मैं बहुत सिनिस्टर हूँ देखो पास बदल मैं तुम्हारी कोई काम की नहीं हूँ पास बदल अच्छी अच्छी तुम्हारा देखा तुम्हारा देखा भागो बचाओ तुम्हारा देखा बचाओ ये हर औरत मेरे से भाग क्यों जाती
मीटिंग के लिए देर हो रही। आई होप जॉनी रेडी हो गया है। हम शकल रेडी रेडी चले चलो। अदला बदली हो गई, कंफ्यूजन शुरू हो गई। अदला बदली हो गई, कंफ्यूजन शुरू हो गई। जॉनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ऊपर होना चाहिए कांस मामा के साथ। उसने मुझे बिस्तर में फेंका, मैं लेके, फिर वो चीखा, मैंने उसे मारा, फिर वो लेट गया। मुझसे नहीं होगा। कोई बात नहीं, अभी ना तुम क्या करो, अंदर जाओ। हाँ, ये लो ये कपड़े लो, चेंज कर लो और कॉन्फ्रेंस में जाके अपनी जगह ले लो। अशोक और कुमार तुम्हारा वेट कर रहे होंगे ना। वो कुछ चीखेगा तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। गुड बॉय, गुड बॉय। Good morning. Sorry for the delay, gentlemen. Please sit down. Distinguished members of the board, इस मीटिंग का एजेंडा है टू डिस्कस द फ्यूचर लीडरशिप ऑफ द सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज। जैसे कि आप सब जानते हैं, इनकी बीमारी की वजह से इनको अजीब और गरीब दौरे पड़े, पागलखाना जाना पड़ा, ट्रीटमेंट करवानी पड़ी। डॉक्टर्स का कहना है कि इनकी कंडीशन में काफी सुधार आया है। जॉनी एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन इतना नहीं कि ये कंपनी संभाल सके। मैं चाहता हूं कि जो टेम्पररी पावर ऑफ अटर्नी आप सब ने मेरे नाम की है, उसे आप परमानेंट कर दें। और यही बात खुद अशोक सिंघानिया आप सबसे कहेगा। अशोक बोलो इन्हें। पागल पे भरोसा करोगे तो ऐसे ही होगा। पागल खाने हम दोनों गए थे, पर मुझे लगता है दौरा मामा जी को पड़ रहा है। हम उतने ही पागल हैं जितने कि आप सब हैं। आई एम एब्सोल्युटली फाइन जेंटलमैन, और मैं चाहता हूं कि मेरी पावर ऑफ अटर्नी राइटफुली मुझे वापस दी जाए। अशोक, ऑल राइट, नाउ ऑल दोज इन फेवर प्लीज रेज योर हैंड्स। अरे थैंक यू। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारी कंपनी के फ्यूचर का सवाल है। प्लीज लोअर योर हैंड्स, हाथ नीचे करिए, डाउन, प्लीज डाउन। मुझे लगता है कि अशोक को फिर से दौरा पड़ रहा है। बेटा अशोक, अभी अभी तो तुम मुझसे कह रहे थे कि कंपनी चलाना तो दूर की बात, मैं तो साइकिल भी नहीं चला सकता। बे मामा, तेरा भूत हो गया, तू कुछ भी बोलेगा और हम सुनते रहेंगे क्या? कुमार, स्टे आउट ऑफ दिस। क्या? Why should he stay out of it? Because ये फैमिली मेंबर नहीं है। अरे ये भी फैमिली की तरह है। फैमिली की तरह है लेकिन फैमिली नहीं है। अरे बाहर में गया रियलिटी शो। ऐसा मत बोल यार, जीत के इतने नजदीक आ गए और अगर हम मीटिंग के लिए नहीं गए ना तो हम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चलना प्लीज, प्लीज चलना, प्लीज चलना। ओके थैंक यू, लेट्स गो। सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मीटिंग के लिए चले। हम शकल मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकता। एक मिनट, प्लीज प्लीज। देखिए, एक छोटी सी कंफ्यूजन है। आप लोग प्लीज जरा बाहर जाइए और इस कंफ्यूजन को शांति से सॉर्ट करके आइए। प्लीज स्टेप आउटसाइड। Come outside right now. Come outside right now. I'm sorry. Is this a misunderstanding? Oh, that was fast. Is it all sorted? तो क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? Distinguished members of the board. जैसे कि आप सब जानते हैं, इनकी बीमारी की वजह से इनको अजीब और गरीब दौरे पड़े, पागल खाना जाना पड़ा, ट्रीटमेंट करवानी पड़ी। डॉक्टर्स का ये कहना है कि इनकी कंडीशन में
काफी सुधार आया है। इनफैक्ट इतना सुधार कि अब ये फिर से कंपनी संभाल सकते हैं। क्या? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टेम्पररी पावर ऑफ अटर्नी आप लोगों ने मेरे नाम कर दी है उसे फिर से अशोक के नाम कर दी जाए। ये तुम क्या कर रहे हो? ये अंकल ने हमें सिखाया कुछ और है और अब बोल कुछ और रहा है। मुझे लगता है वो मोटी लड़की के चक्कर में इनका दिमाग चकरा गया है। आ, लेकिन तू वही बोल जो तुझे सिखाया गया है। All those in favor, please raise your hands. नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? Hands down, you also down down, hands down. ये टकलू अंकल, हाथ नीचे करो ना। माना कि हम लोग पागल नहीं है पर हमारा दिमाग अभी भी खराब है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो टेम्पररी पावर ऑफ अटर्नी है इसको परमानेंट करके मामा जी के नाम कर दी जाए। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये इनके नाम कर दी जाए। नहीं 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 नहीं, 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 इनके नाम कर दी जाए। Stop it, बस। अरे क्या कर रहा है यार तू? मामा के कैरेक्टर में इतना घुस गया कि तू भूल गया कि तू उनका हमशक्ल है। वॉटसी का जॉनी है तू। तुझे जेल से बाहर हमने निकाला, इतनी ट्रेनिंग दी, तेरी लाइफ सेट करने वाले थे और तू मीटिंग के अंदर सब उल्टा बोल रहा था यार। नाउ लुक, अंदर जाके तू समझ गया ना क्या करना है? सारी कंपनीज मेरे नाम करनी है, समझ गया ना तू? हाँ, अब सब समझ गया। गुड, अब चल अंदर। सॉरी सर, साफ कर देता। अरे लेकिन ये कंपनी तुम्हें मिलनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये कंपनी आपको मिलनी चाहिए। अरे लेकिन मैं इस कंपनी का क्या करूंगा? अरे लेकिन हम इस कंपनी का क्या करेंगे? Will you all shut up? हद होती हर चीज की। I'm extremely sorry. मुझे लगता है अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। आप लोग प्लीज बाहर जाइए और शांति से इस कंफ्यूजन को सॉर्ट करके ही आइए। मामा जी, पहले आप। नहीं 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 नहीं, पहले आप। नहीं नहीं, नहीं, नहीं मामा जी, मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज, फॉर गॉड्स सेक, प्लीज गो आउट एंड सॉर्ट दिस। प्लीज स्टेप आउटसाइड। आई एम What? ये असली वाले हैं। What? ये असली अशोक और कुमार हैं। वो पागल पता नहीं कहाँ भाग गए। जल्दी से कुछ कर, नहीं तो सारी जायदाद तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। जल्दी से सब जस्ट रिलैक्स, मैं करता हूँ कुछ। मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ था वो अब पूरी तरह क्लियर हो चुका है। जो आदमी इतने सालों से इस कंपनी का चेयरमैन बनने का सपना देख रहा था वो आपसे कुछ कहना चाहता है। आइए ना मामा जी, अब सच्चाई आप बताएंगे या मैं बताऊं? कम ऑन मामा जी, एवरीबडी इज वेटिंग। दरअसल अरे नहीं, आप लोग ये क्या हो रहा है? देख क्या रहा है, भाग यहाँ से। Fire! There's a fire in the hotel! Everyone get out! भाग गया साला। Relax, Kumar. अरे what relax? वो अशोक और कुमार मेरा हमशक्ल लेके वहां पहुंच गए और हमारे पागल अशोक और कुमार पता नहीं कहां भाग गए। तेरा प्लान ए और प्लान बी दोनों चौपट हो गए। यू आर टेलिंग मी टू रिलैक्स? देखो, मेरा प्लान ए और बी फेल हो गए,
लेकिन मेरा प्लान सी फेल नहीं होगा. व्हाट प्लान सी? अशोक कुमार. हम शकर तो ये दोनों पागल तेरे पास आके चुप गए थे. हाय मामा जी, आप फिर से मोटे हो गए ना. चलिए ना साथ में करते हैं स्टीम सोना. हाँ पहले करेंगे स्टीम फिर साथ में सोना. ये दोनों चिंकू पिंकू की तरह क्यों बात कर रहे? क्योंकि ये पागल वाले अशोक और कुमार नहीं है बल्कि मेरे असिस्टेंट्स चिंकू और पिंकू ही है. व्हाट? How is that even possible? जब तुम उन पागल अशोक और कुमार की ट्रेनिंग कर रहे थे तब मैं उनका फेशियल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैप्चर कर रहा था ताकि मैं इन पर प्लास्टिक सर्जरी कर सकूं. प्लास्टिक सर्जरी? Oh my God. But इन दोनों की आवाज अशोक और कुमार की तरह कैसे साउंड कर रही? वॉइस मॉड्यूलेटर चिप, इन्होंने खुद घुसेड़ा है. दिस इज रियली फैंटास्टिक. अब कल हाउस ऑफ कॉमन्स में हमारे साथ चिंकू और पिंकू नहीं अशोक और कुमार जाएंगे और फाइनली सारी जायदाद मेरे हवाले करेंगे. ए डोंट फॉरगेट माय 1 million pounds. हां 1 million क्या डॉग, अब 2 million दूंगा. यू आर अ जीनियस. और हमें? हाँ हाँ तुम्हें भी दे दूंगा. सच? हमारा बैड लक बहुत खराब चल रहा है. उस कंस मामा को पता चल गया कि उसका हमशक्ल हमारे पास है जो एक्चुअली अब हमारे पास भी नहीं है. पता नहीं वो जॉनी कहाँ भाग गया. थिंग्स जस्ट कैन नॉट गेट एनी वर्स फॉर अस. सॉरी गाइस दे जस्ट डिड. ये देखो the hell? Singhani group of companies का मालिक अब कुंवर अमरनाथ सिंह बन चुका है. ऑफिशियल साइनिंग कल होगी हाउस ऑफ कॉमन्स में. ये कैसे हो गया? तू फिक्र मत कर, अभी तक ऑफिशियल साइनिंग नहीं हुई है. अभी भी उसे रोकने के लिए हमारे पास एक दिन है. फिर वो पागल जॉनी कहाँ मिलेगा? पुत्र मेरा काम खत्म हो गया है, मैं जाऊँ. जी पेपे. ओए ओए ते मेरे बलबीर है गए. तुसी जानते हो बलबीर नो? नहीं नहीं बेबे तेनू गलत फहमी हो गई है. ए बलबीर नहीं है, ए ते इन्ना ता मामा कंस है. ए अगर कंस हैगा ना ते खसमा नु खानी है. तू शूफ नगा हैगी है. मैं तेरी हाउसमेट कितने सालों से हूँ? 10 साल से. मैंने कभी कोई झूठ बोलिया है? और मैं कह रही है कि मेरा भतीजा बलबीर है ते बलबीर है गए. माता जी I'm sorry, but are you sure? ऐना नो देखो, खांदे हैं छोले, ते पद मारदे हैं बादाम दे हैं, और फोटो तुसी दोनों खड़े हो, ते मैंनू की पूछ रहे हो? ए मेरा भतीजा बलबीर है गाए, साउथ होल में नाइट क्लब चलांदा है. जल्दी आ. हम शकर. बलबीर, यानी के ट्रिपल रोल? बेबी, ओ बेबी डॉल ऐसा ना कर. ओ तू गल सुन, ओ तू की कर रही यार, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा. ओ तेनू पता है ना आज तो फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट हैगा. ओ गल सुन. हेलो हेलो बलबीर जी. ओए तुम लोग मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? Who are you the people? What do you want? सेम फेस. ओए दसो जी. बलबीर जी वो हमें आपकी मदद की जरूरत है. मदद? ओए नंगा नाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? ओए मैं किसी के मदद के लायक ही नहीं हूँ. मुझे तो खुद मदद की जरूरत है. इस डांस बार की मेन आइटम गर्ल, जिसकी वजह से ये डांस बार चलता है, उस कमीनी ने पिक्चर साइन कर ली. अरे सर आप हमारी बात तो सुनो. अरे लुधियाना से जब मैं आया था सब लोगों ने कहा था कि साउथ हॉल में देसी डांस बार चल ही नहीं सकता. मैंने चलाया मैंने, और आज इस डांस बार की 5वीं सालगिरह है. आधे घंटे में पब्लिक आने वाली है, लेकिन जिस लड़की के टुमके देखने आ रही है वो लड़की तो है नहीं. अब चट्टी बनियान पहन के क्या मैं नाचूंगा? मैं तो बर्बाद हो गया यार, मेरी नाक कट जाएगी, मेरा डांस बर्बाद हो जाएगा यार. मैं की करूं? बलबीर जी
हम आपकी मदद कर सकते हैं। एक मिनट। ना तो आपका डांस बार बंद होगा, ना आपका शो कैंसिल होगा और ना ही आपकी नाक कटेगी। लेकिन अगर हमने आपकी मदद की तो आपको हमारी मदद करनी होगी। ओए कुछ भी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ भाई, गॉड की कसम। आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, प्लीज। लेकिन आप लोग सब करेंगे क्या? गॉड तेरी सेवा करेंगे, ओ मेरी बुलो रानी। बाय गॉड बड़ी हिट रहेगी तेरी मेरी प्रेम कहानी। बाय गॉड मेरे लिए तू आ जा, आजा रे आजा रे आजा रे आजा। बाय गॉड दिल तोड़ के ना जा, आजा रे ना जा रे ना जा रे ना जा। आजा आजा पिया के बाजार में, आजा आजा ओ आजा आजा पिया के बाजार में, आजा आजा। क्यों अफसाने नए रोज कोई जान करे, क्यों छेड़ो सुकून तेरा यह बर्बाद करे। मेरा जान है तू आजा पिया के बाजार में, आजा आजा ओ आजा आजा पिया के बाजार में, आजा आजा। स्कूटी से नहीं तो कार से आजा, सात समुंदर पार से आजा, दिल ये पुकारे तू प्यार से आजा। आजा 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 पिया के बाजार में, आजा आजा ओ आजा आजा पिया के बाजार में, आजा आजा। इस बाहर की दुनिया से तो अपना पागल खाना ही अच्छा है। हाँ यार, अंदर कुछ गलती करो तो बिजली के झटके लगते हैं, बाहर तो कभी भी कहीं से भी बिजली के झटके लगते रहते हैं। और फिर मेरी शिवानी भी तो यही है ना। चल चल अंदर चलते हैं, नहीं जीतना है रियलिटी शो। चल। वो रियलिटी शो नहीं था अंकल। नहीं मैं अंकल नहीं हूँ, मैं अंकल का हमशक्ल हूँ जॉनी, और तुम दोनों अशोक और कुमार के हमशक्ल्स हो। हमशक्ल्स? हमें अशोक और कुमार की मदद करनी चाहिए, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। यार पूरी जिंदगी ना हम दोनों ने सिर्फ बुरे काम किए, आज पहली बार मौका मिला है कुछ अच्छा करने का। चल चलते हैं और उस कमीने अंकल का पर्दाफाश करते हैं। Hello, boys! I am back! तुम तीनों की वजह से बर्मा के लोगों ने मेरा वो हाल किया कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। क्या?
लेकिन अब मैं तुम तीनों को पकड़ के ले जाऊंगा और मेरी नौकरी मुझे वापस मिल जाएगी। चलो शट अप कीड़ा मकोड़ा बिन तेल का पकोड़ा। स्लैपस्टिक कॉमेडी तेरी तो। रुको, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं कुंवर अमरनाथ सिंह हूँ और वो ये दोनों तुम्हारे पागलखाने के अशोक और कुमार नहीं है, ये मेरे अशोक और कुमार है, करोड़पति। पर क्या कर रहा है तू? क्या चिड़िया है क्या तू? जिस अशोक कुमार को ढूंढ रहा है वो हमारे हमशक्ल्स है। हमशक्ल्स? एक नई स्टोरी? स्टोरी तो मैं बताऊंगा तेरी दुनिया को। बर्मा के लोगों ने ये जो तेरा हाल किया, क्या मैं डाल दूं फेसबुक पे? हाँ, मैं डाल दूं व्हाट्सएप पे, मैं डाल दूं ट्विटर पे। ट्विटर पे इसके बहुत फॉलोअर्स हैं। आई डोंट नो कैसे, लेकिन है। आई हेट सोशल नेटवर्किंग। अब हमें जाने दीजिए, हम उन हमशक्ल्स को खुद पकड़ेंगे। मालिक मुझे भी साथ ले चलिए, मुझे मेरी लुटी हुई इज्जत की कसम। जब वो तीन मुझे मिलेंगे तो मैं उनका वो हाल करूंगा कि आप क्यों डर गए? मैं तो उन डुप्लीकेट्स की बात कर रहा था। फॉलो मी, उधर नहीं, फॉलो मी। आज 15 अगस्त के स्पेशल ओकेजन पे आई'd लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर हिज रॉयल हाइनेस द प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस चार्ल्स को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच अशोक। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट रियली इज अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। द रॉयल फैमिली always has made the effort to strengthen the bonds between the United Kingdom and India. Padla, padla, padla. Bina itna nuksan karne ke baad, ye sala Ashok aur Kumar yahan karodpati banne ka acting karta hai. Kasam jhule lal ki, aaj ye dono mere haath se nahi bachega. Thapad uska papa. शैंडेलियर में बम ठीक से लगा दिया ना? यस बॉस। अब इसको एक्टिवेट करके निकलते हैं, बराबर 2 मिनट में बम फट जाएगा। अरे बाबा, ये लाइट क्यों नहीं जलता है? बैटरी लाओ। हमारे पास नहीं है बैटरी। अरे बाबा, जाकर किराने की दुकान से बैटरी लेके आओ, जाओ। हर साल की तरह इस साल भी हम प्रिंस चार्ल्स के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को एक चेक देंगे। बट इस साल ये नेक काम मैं खुद अपने हाथों नहीं करूंगा, बल्कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के होने वाले मालिक कुंवर अमरनाथ सिंह जी करेंगे। क्या बात कर रहे हो? Yes, Your Highness. Unfortunately, मेरी बिगड़ती हुई मेंटल कंडीशन की वजह से मुझे बहुत सोच समझ के एक कदम उठाना पड़ा। आज आप सबके सामने, विद प्रिंस चार्ल्स एज माय विटनेस, सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज की सारी प्रॉपर्टी और जायदाद अपने मामा कुंवर अमरनाथ सिंह जी के हाथों ऑफिशियली करता हूं। ये आदमी जायदाद कैसे हैंडओवर कर सकता है जब ये जायदाद इसकी है ही नहीं? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, ये असली अशोक है ना, ये असली कुमार है और ना ये असली मामा है। असली अशोक ये है।
double rule? Your Majesty, ye tino pagal khane se bhage hue kaidi. Assam Pop! Is that true? No. Your Majesty, they're lying. ये लोग पागल हैं। हाँ। वाह वाह वाह। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अबे चुप पागल। अबे अबे तू पागल। नहीं तुम लोग पागल। अरे तुम पागल हो। तुम लोग पागल हो। हॉल्ट। मैं बताता हूँ कि असली पागल को। अदला बदली हो गई कंफ्यूजन शुरू हो गई अदला बदली हो गई कंफ्यूजन शुरू हो गई हम शकल डीजे मायरा टीम लोगों का ट्रिपल रूल तुम लोगों ने तो कहा था तुम्हारा डबल रोल है पर यहाँ तो डबल रोल का भी ट्रिपल रोल है यानी कि तीन लोगों के ट्रिपल रोल यानी नौफल रोल वो समय में नहीं पता लेकिन हमें इतना मालूम है कि दो ग्रुप में से एक असली है और एक नकली है अरे तो तुम किस ग्रुप के हो हम तो पागल वाला ग्रुप है, है? अरे पागल ये नहीं पागल ये हैं ये लोग है पागल हम लोग पागल नहीं है अब यू तो क्या हम लोग पागल है हाँ, तुम लोग पागल हो अरे पागल ये लोग गॉड सेल्फ कन्फेशन ये लोग खुद कह रहे हैं कि पागल हैं नहीं नहीं हम लोग पागल नहीं है हमारे तो दिमाग खराब है अरे दिमाग तो मेरा खराब हो रहा है दिस इज मोर कंफ्यूजिंग देन माय फर्स्ट मैरिज कौन है असली कौन है नकली हम है असली अरे हम है असली हम है पागल इनमें से एक असली है सिक्योरिटी सिक्योरिटी टेक देम अवे ओए पैर दे टंगे महा कॉलेज छोड़ कमी ने चल पागल खाने वहाँ पे बैर है अरे चल रियलिटी शो के मामा डिशुंग साला मेरा बैटरी आने दो सबको उड़ा दूंगा हम पागल नहीं है हम पागल नहीं है ये वाला हिटलर के लिए या चीच के लिए चीखना मत तू कौन है मैं शोकू हूँ कौन सा वाला रुक जाओ बॉम्ब मैं बच गया अंकल फिर से कोमा में मत जाना वरना हम फिर से वीडियो गेम्स खेलेंगे थैंक यू मेरे बच्चों अशोक कुमार शिवानी ए अंकल हमें माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए अगर आप हमें माफ करेंगे तो रोज हम आपकी पीठ को इरंडी के तेल से साफ करेंगे साफ करेंगे साफ करेंगे व्हाई नॉट ये भी अरे कहां चले डैड अब ठीक तो हाँ बेटा ले चलो इन्हें पागल खाने और तुम लोग भी आते रहना अच्छा वो पकड़े गए हम कब से कह रहे हम लोग पागल नहीं है हमारे तो दिमाग खराब है चोट वही डालेंगे मैं ठीक कर दूंगी बड़े आए उनके बाबा चीके और हमारे बाबा चीके में कितना फर्क है वापा चिकी वापा चिकी वापा चिकी कमाल की बात है कि इतना सारा एक्शन हुआ लेकिन कोई नहीं चीखा नहीं अरे मजाक कर रहे हो यार अब तक मेरा एक ही बेटा था लेकिन आज से मेरे चार चार बेटे होंगे ओ हाँ और दो बेटियां भी हे वाओ इससे बड़ी ऑडियंस मुझे कभी नहीं मिलेगी एक नया जोक सुनाता हूँ नो वे मैन हम शकल लास्ट शॉट ऑफ द फील्ड डन ब्रेक राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अभी आई थिंक साउंड दैट जस्ट फार्टेड He's actually right. Shot 5, take 1. आई बाका बलबीजी अब तक मुझे लगता था कि राम को बड़े अच्छे लगते पप्पा मजामा पप्पा मजामा पप्पा पजामा
Voice modulated molecule or something like that, man. Pizzaria. क्या हॉल से क्या बॉल से क्या आपका कोई स्पॉन्स है सब गलत बोल रही परसों मैं अपना बिजनेस थोड़ी छोड़ रहा हूँ आई एम स्टिल लाइक द मोस्ट माइंड ब्लोइंग बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड ओके सो लेट्स आज मैं तुम लोगों को वो टॉर्चर करने जा रहा हूँ जिसकी मिसाल बर्लिन से लेकर बांद्रा तक दी जाएगी क्योंकि आज मैं तुम लोगों को दिखाने जा रहा हूं फराह खान की 30 मार खा Would you like the movie? It's over. Go home. What is that?